हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ सिंपल स्लिट स्लीव्स ट्यूटोरियल। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेरे स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो आप लोगों ने अगर मेरा ट्यूटोरियल नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। ये है मेरे रेगुलर स्लीव्स की कटिंग। तो आपको जितनी भी आपकी स्लीव्स की लेंथ चाहिए उसमें आपको 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करने होते हैं। तो जैसे कि मेरे स्लीव्स की लेंथ है 18 इंचेस, तो मैंने उसमें एक्स्ट्रा 3 इंचेस ऐड किए हैं। और मैं अब यहाँ पर मेरे जो एक्स्ट्रा 3 इंचेस है, मैं वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने अपने एक्स्ट्रा 3 इंचेस पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ये जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर की जो लेंथ है ना, ये है मेरे एक्चुअल स्लीव्स की लेंथ जो कि 18 इंचेस है। तो ये है मेरे एक्चुअल स्लीव्स की लेंथ और ये है मेरा एक्स्ट्रा पीस फोल्डिंग के लिए। अब मैं इस 3 इंच वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे फोल्ड कर लूँगी। ऐसे फोल्ड करने के बाद अब मैं अपने स्लीव का सेंटर जो कि ये है, यहाँ से मैं 2 इंच पर मार्क कर दूंगी ऐसे। ऐसा मैं यहां पर स्ट्रेट निशान डाल दूंगी। मैं इसे कट कर दूंगी एग्जैक्टली 2 इंच पर। तो देखिए ये कट लग चुका है, इस तरह लगेगा ये कट। और ये हमारे स्लीव्स की रॉन्ग वाली साइड है। रॉन्ग वाली साइड मैं यहाँ पर मार्क कर दूंगी, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। और अब जो हमारी ये जो 1 इंच की यहाँ पर जो पट्टी बची हुई है, हम उसे ऐसे फोल्ड कर कर यहाँ पर हम स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी ना स्टिच जो है वो लग गई है। अब हम इस फोल्ड को हमारे राइट साइड ऑफ द फैब्रिक पर पलट देंगे ऐसे। ऐसे जो हमारी मार्किंग थी ना, हम एग्जैक्टली वहीं पर इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। हमने ना फैब्रिक को राइट साइड पर फोल्ड कर दिया है। अब ना हम स्टिच स्टार्ट करेंगे। हम हमारा स्टिच यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ से भी ऐसे लगाएंगे। तो गाइज मैं ना यहाँ पर आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर मार्किंग डाल रही हूँ। तो हमारा जो स्टिच है ना वो ऐसे जाएगा ऐसे। अब ना हम यहाँ पर एक ऐसे कट लगा लेंगे ताकि अच्छे से पलट जाए। सब कट लगाने के बाद अब हम इसे सीधी तरफ पर अच्छे से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद तो दोनों साइड्स को भी अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब ना हम हमारे इस बीच वाले स्टिच को थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं ताकि ना जो झोल है वो भी नहीं आएगी। और जब हम इसे अगर अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो ये और अच्छी फिनिशिंग से बैठ जाएगा। अब ना हम यहाँ पर टॉप स्टिच दे देंगे ऐसे पूरी तरफ। ये हमारा स्लीव जो है ना बनकर कुछ ऐसे रेडी हुआ है। और ये ना हमारे बैक साइड में कुछ ऐसे लग रहा है। तो ना ये हमारी स्लीव्स बनकर तैयार है। तो ना अब हम हमारी इस स्लीव्स को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और आप अपनी रेगुलर कुर्ती पर इसे स्टिच कर सकते हो यहाँ पर से फिटिंग लगाते हुए। और आपकी स्लिट जो है ना ऐसे दिखेगी। तो ये ना बहुत ही इजी तरीका है स्लिट स्लीव्स का। तो ना इसके लिए आपको 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना पड़ता है इस स्लिट स्लीव्स के लिए।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ और नए डिजाइन के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।